एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सीमा मेहता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, मेकअप को लेकर मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैं इसीलिए आप लोगों को छोटे छोटे टिप्स बताने जा रही हूँ। तो प्लीज जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आपके बहुत के काम के वीडियो है। ठीक है, मेकअप क्यों किया जाता है, आपके जो फेस पर स्पॉट्स होते हैं उनको कैसे छुपाया जाता है, या आपके जो गड्ढे होते हैं फेस पर उनको कैसे छुपाया जाता है, ब्लैक जो हमारी स्किन होती है हम उसको पिगमेंटेशन को कैसे छुपा सकते हैं, तो मैं आपको बहुत इजी टिप्स से, छोटी छोटी बातों से आपको समझाऊंगी कि हम मेकअप को किस तरह से बेटर बना सकते हैं। हमको बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कम रेंज के प्रोडक्ट से भी किस तरह से बहुत अच्छा बेटर मेकअप कर सकते हैं। तो प्लीज मुझसे जुड़े रहें। तो चलिए, मेकअप में हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता है सबसे पहले क्या करते हैं? लगभग सबको पता है बट आप लोग यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम मेकअप स्टार्ट करने से पहले सीटीएम देते हैं। ओके, सबको पता है सीटीएम देते हैं, बट क्या करते हैं, क्लाइंट बहुत जल्दी में आता है और हम सीटीएम नहीं देते हैं। अगर आप प्रॉपर सीटीएम नहीं दे पा रहे हैं तो मैं आज आपको बहुत अच्छा तरीका बता दे रही हूँ सीटीएम का। ठीक है, आपको पता है स्किन तीन प्रकार की होती है। ओके, सबसे पहले होती है ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन। ठीक है, सेंसिटिव से भी बदतर स्किन होती है, बट हमारे जो इंडिया में है आपको तीन टाइप की स्किन बहुत मिलेगी। तो सबसे पहले होती है ड्राई स्किन। तो मैं आपको कुछ ड्राई स्किन के बारे में बता देती हूँ। हमारी जो ड्राई स्किन होती है वो बहुत क्रीम खाती है, बहुत ज्यादा, और अगर हम मॉइस्चराइज नहीं करते हैं फेस को तो क्या होगा, हमारी जो क्रीज लाइन है, फाइन लाइन, वो बहुत जल्दी से दिखने लग जाएगी। तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक एज के बाद, 25 के बाद, आप की अगर ड्राई स्किन है तो आप बहुत अच्छे से अपने फेस को सोने से पहले मॉइस्चराइज देंगे। आपको पता है आधा ग्लो और फाइन लाइन ड्राई स्किन को मॉइस्चराइजर देने से खत्म हो जाता है। तो हमेशा अपने फेस को मॉइस्चराइज करके सोइए अगर आपका फेस ड्राई है तो। ठीक है, सेकेंड होती है ऑयली स्किन। अब बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन ये आते हैं कि मैम हमारी स्किन तो ऑयली है, हमको तो कुछ सूट ही नहीं होता है। तो बिल्कुल, ऑयली स्किन क्या होता है, एक तो आप लोग प्रॉपर खान पान नहीं रखते हैं, फास्ट फूड का बहुत ज्यादा खाते हैं, और तीसरा आप पानी पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। ऑयली स्किन पर कंट्रोल किया जा सकता है, बट थोड़ा सा आपको क्या है, कुछ बातें होती है जो आपको समझने की बहुत जरूरत है कि पिंपल्स क्यों होते हैं। तो मैं ये वीडियो बनाकर भी आपको डालूंगी, आपके जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं वैसे वैसे उनका आंसर दूंगी। ठीक है, एक होती है सेंसिटिव स्किन। मालूम है आपको, सेंसिटिव स्किन जो होती है उस पर कुछ भी चीज सूट नहीं होती। मेरे पास पार्लर पे काफी सारे कस्टमर आते हैं कि मैम हमारी स्किन पता नहीं कैसी है, इससे धूप भी बर्दाश्त नहीं होती है, कोई क्रीम भी बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो सेंसिटिव स्किन है। ठीक है, बहुत सॉफ्ट स्किन। ये कई बार सेंसिटिव स्किन हम खुद बना लेते हैं यार अपनी, बिना डॉक्टर की सलाह से हम कोई भी क्रीम लगा लेते हैं। मेरे पास काफी सारी स्किन ऐसी आती है जो केमिकल की जो शॉप होती है मेडिकल की, वहां से क्रीम लाके लगा लेती है और अपनी स्किन को एकदम जला लेती है अंदर से। हमारी जो फोर लेयर होती है वो एकदम जल जाती है अंदर तक, और उस स्किन को ठीक करना, बाप रे, बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज जब भी कोई क्रीम यूज करें तो या तो डॉक्टर की सलाह से यूज करें, या अच्छे एक प्रोफेशनल जो आपके आसपास मेकअप आर्टिस्ट हो उससे आप सलाह लेकर करें। वो आपको स्किन के बारे में नॉलेज देगी कि आपकी स्किन किस तरह की और आपको क्या चीज यूज करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं कि ऐसी पार्लर वालियों से बचें जिनको खुद को नॉलेज बहुत कम है। हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी ऐसे पार्लर वालों के पास चले जाते हैं जिनको खुद को नॉलेज नहीं होती, और वो क्या है, किसी ने बोल दिया कि ये क्रीम बहुत अच्छी है, लगा लीजिए, उनको कोई मतलब ही नहीं होता कि इससे स्किन पे क्या इफेक्ट होगा। मैं किसी पार्लर वाले की बुराई नहीं कर रही हूँ, आप ये नहीं सोचिए, मैं भी खुद एक पार्लर वाली हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बट मैंने देखा है, मैं बहुत छोटी सिटी से हूँ, यहाँ क्या होता है कि 7 डेज में
स्पोर्ट्स फ्री और आपकी स्किन एकदम चमक जाएगी 7 डे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो आप 7 डेज लगाएंगे, वो आपकी एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर उतार देगी, रेडनेस डाल देगी, थोड़े से दिन फेयर कलर दिखा देगी, उसके बाद आपकी स्किन और बुरी हालत हो जाएगी। तो प्लीज ऐसी स्क्रीमों से तो आप बचे, ठीक है। मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बता रही हूँ, जितना हो सके मेरे वीडियो आप शेयर करें। मैंने आज से ही स्टार्ट किया है ब्यूटी टिप्स देना, तो आप मेरा पूरा वीडियो जरूर देखें। मैं आज आपको बताने वाली हूँ मॉइस्चराइज, फेस को मॉइस्चराइज करना। मेकअप में सबसे पहले हम CTM, तो मैं बताती हूँ आज आपको मॉइस्चराइज कैसे यूज करना है आपको मॉइस्चराइजर, ठीक है। अच्छा, आप बता सकते हैं मेरी स्किन कैसी है। मेरी स्किन ऑयली है फ्रेंड, मेरी स्किन पहले बहुत सेंसिटिव थी। मैं आपको वही बता रही हूँ, सेंसिटिव स्किन की केयर करना बहुत जरूरी होता है। आज आप मानेंगे नहीं, मेरी एज 45 है। 45 होने के बाद भी मुझसे लोग कहते हैं, मैम आपके फेस पे फाइन लाइन रिंकल्स बहुत कम है। तो ये कोई केमिकल क्रीम से रिंकल कम नहीं हुए हैं, ये रेगुलर 25 की एज के बाद मैंने अपना जो स्किन केयर स्टार्ट कर दिया था। और मैं ज़्यादातर हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। मैं अपने वीडियो में आपको वो भी बताऊंगी कि मैं किस तरह से अपनी स्किन की केयर करती हूँ। आज मैं आपको सिखा रही हूँ मॉइस्चराइजर कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छे से आपको फेस को वॉश कर लेना है, ठीक है। बहुत अच्छे से, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप क्लीन क्लियर का फेस वॉश यूज कर सकते हैं। फ्रेंड मैं आपको बताऊँ, स्क्रीन सीक्रेट का एक टी फेस वॉश है, वो भी काफी अच्छा है। मैं काफी लोगों को दिया है, उसके रिजल्ट अच्छे लगे मुझे, तो आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली क्लीन क्लियर तो सब जगह मिलता है, बट एक चीज का ध्यान रखिए, आप अपनी स्किन के हिसाब से ही आप फेस वॉश यूज करें, ठीक है। ड्राई स्किन के लिए अलग होता है, ऑयली स्किन के लिए अलग होता है। तो अपनी स्किन को देखकर आप अगर फेस वॉश यूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो चलिए, आप मॉइस्चराइजर मेकअप के लिए कोई सा भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो ये निविया का सॉफ्ट वाला, आप चाहे तो निविया, आपके घर में अगर ये है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको ब्रांड नहीं बता रही हूँ, मैं केवल इतना बता रही हूँ। आज यार मेरा गला खराब है, इन्फेक्शन है गले में, तो थोड़ी सी मेरी आवाज अलग लगेगी आपको, बट कोई ना, मुझे पता आप अच्छे से समझ रहे हो। और तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर जिस जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, तो ठीक है। ये मॉइस्चराइजर है, हमको मॉइस्चराइजर कैसे अप्लाई करना मैं आपको बताती हूँ। एक तो आप फिंगर की सहायता से यूज कर सकते हैं, और एक आप यूज कर सकते हैं ब्रश की सहायता से। तो अगर आप फिंगर, अगर आपके पास ब्रश है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप फिंगर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी, मैं इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि अगर आपके पिंपल्स हैं, ऑयली या सेंसिटिव स्किन है आपकी, तो जितना हो सके प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए आप ब्रश का यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि बार बार जब हमारे फिंगर्स लगते हैं फ्रेंड, तो वो हमारे जो पिंपल्स हैं उभर कर बाहर आ जाते हैं, ये आपको एक्सपीरियंस के बाद पता चलेगा, ओके। तो मैं फिंगर से लगाती हूँ, तो मुझे किस तरह से अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर। ये मैंने मॉइस्चराइजर लिया, आज मैंने आपके सामने विदाउट मेकअप के बैठी हुई हूँ, मैंने फेस ऑली वॉश किया था। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको मॉइस्चराइजर कैसे यूज करना है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको कम से कम 10 मिनट आपको मॉइस्चराइज मसाज देनी है। आप एक बार लेंगे, फिर उसको टिश्यू पेपर से हटा लेंगे, उसके बाद फिर आपको दोबारा से 5 5 मिनट क्रीम लेकर अगर आप मॉइस्चराइज करते हैं फ्रेंड, तो क्या होगा, स्किन बहुत अच्छे से ऑटोमेटिक ग्लो करने लग जाएगी आपकी। इस तरह से आपको आगे से पीछे की ओर अपना मॉइस्चराइजर लगाना है। ये हम इस तरह से क्यों लगा रहे हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी रिंकल्स होते हैं, जो फाइन लाइन होती है फ्रेंड, है ना,
क्रीज लाइन होती है वो हमारी, उसके अंदर क्रीम बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगी, तो वो कम दिखेगी। तो इसलिए हम स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। देखिए आप आगे से पीछे की ओर बहुत अच्छी तरीके से, आपका लगाने का तरीका, अगर प्रोडक्ट लगाने का तरीका आपका सही है तो आपका मेकअप अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड मैं भी एक छोटी सिटी से हूँ, बट मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ और मैं बाहर जाकर भी क्लासेस लेकर आई हूँ, क्योंकि एक ब्यूटिशियन को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप अपने क्लाइंट को नॉलेज दे पाएंगे, बहुत अच्छे से उसको समझा पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि छोटी सिटी वाली होती है तो उनके पास नॉलेज कम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए मैंने अपना जो मॉइस्चराइजर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करने के बाद मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा टिश्यू पेपर लूंगी। टिश्यू पेपर लेने के बाद थोड़ा सा मैं, पूरा टिश्यू पेपर आप रखेंगे तो है ना फेस पर, और इस तरह से, और थोड़ा सा डिप डिप करेंगे, और वो मैंने फाउंडेशन उतारा था ना इसलिए। तो चलिए ये देखिए, उसके बाद आप अपनी क्रीम दोबारा से लेंगे, ठीक है। टिश्यू पेपर से आप थोड़ा सा उसको, जो एक्स्ट्रा ऑयल है आपका, उसको हटा लीजिए। बाकी आप जो मॉइस्चराइजर है वो आप, जो आपका हाईलाइट एरिया है फ्रेंड, हाईलाइट एरिया चीक्स होता है आपका, नोज होता है, टिन होता है, फोर हेड होता है, ये होते हैं आपके हाईलाइट पार्ट, ठीक है। तो हाईलाइट पार्ट पर आपको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। ये हो गई हमारा मॉइस्चराइजर। फ्रेंड देखिए मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया है, ओनली मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है ओनली 5 मिनट। 5 मिनट भी शायद मेरे नहीं हुए हैं, मैंने ओनली 2 मिनट अप्लाई किया है। अगर इस मॉइस्चराइजर को आप 5 मिनट बहुत अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कराओगे तो आपका जो स्किन प्रॉपर हेल्थी और ग्लो करने लग जाएगी, और प्रोडक्ट बहुत अच्छे से, आपके जो प्रोडक्ट लगाओगे बहुत अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होंगे और काफी अच्छा सा एक ग्लो देंगे। तो ये मैंने अच्छे से लगाया मॉइस्चराइजर। मैं आपको पूरा मेकअप बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ, तो प्लीज आप मेरे साथ में रहें, और कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करें। ये देखिए मैंने ओनली मॉइस्चराइजर लगाया है। अब मैं अपने सेकंड वीडियो में बताने वाली हूँ प्राइमर एंड कंसीलर, तो प्लीज मेरा वीडियो देखें और शेयर करें। ओके आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। ओके बाय।